hello students i'm dr rao i hope you guys are doing well welcome to my youtube channel mathematics by dr M. rao today i'm going to deal with another interesting lectures based on the taylor series expansion for the functions of two variables okay it is a basically part of multivariate calculus here the partial derivatives are involving so guys before going to the further and deep study about this series

काम इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता बट आपको एक फार्मूला याद रखना होता है उसका एक्सपेंसन याद रखना भी बहुत ही सिस्टमेटिक है ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है इससे पहली वीडियो में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैंने आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में बताया कि और मैकलोरिन सीरीज एक्सपेंशन के बारे में बताया उनको याद कैसे रखना है उसके बारे में भी बताया है, है ना around the zero, around the origins, 0 0, how will we expand as the maclaurin's expansions? and about non-zero points, how will we expand as a Taylor series expansion? i have discussed each and every aspect in the previous lecture, and i have discussed it with the help of example also. so today i am going to deal with another questions based on the same theory. सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन की हम बात करते हैं और इन टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि टेलर सीरीज का फार्मूला हमें पता होना चाहिए और एक्सपेंड करना है इसको इन द नाइबरहुड अराउंड ए नॉन जीरो पॉइंट करना है यहाँ पर मैकलोरेंस का काम भी नहीं है टेलर्स का ही काम है ओके और इसमें लिखा भी है इनकलूजिंग अप टू एंड इंक्लूजिव ऑफ सेकेंड डिग्री टर्म सेकेंड डिग्री टर्म तक आपको उसको लेकर चलना है उसे इंक्लूड भी करना है ठीक है एक्सक्लूड नहीं करना है तो कहने का मतलब है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेलर एक्सपेंशन क्या होता है ओके नाउ वी नो दैट वी नो दैट टेलर सीरीज एक्सपेंशन वी नो दैट टेलर सीरीज एक्सपेंशन वाट अबाउट द टेलर सीरीज एक्सपेंशन टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू और आप इसको इन जनरल भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच एंड वाई प्लस के ठीक है ये भी आप लिख सकते हैं तो ये हमारे पास होता है एफ एक्स वाई प्लस एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई ओके एफ एक्स का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एफ वाई का होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई ठीक है और इसी तरीके से ये इसमें हम आगे बढ़ेंगे प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल एफ एक्स एक्स और यहाँ पर बेहतर है हम इसको ब्रैकेट लगा लें यहाँ पे ओके वन बाई टू फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स ओके एंड प्लस टू टाइम्स एच के एफ एक्स वाई राइट एफ एक्स वाई एंड देन प्लस वाई स्क्वायर एफ सॉरी वाई नहीं आएगा यहाँ पे के स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर एफ वाई वाई राइट और ऐसी ये कहानी चलती रहेगी वन बाई थ्री फैक्टोरियल में भी आगे तो हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पर हम हम दो ही तक लेके जाएंगे इसमें ठीक है अराउंड द पॉइंट जब हम किसी एक पॉइंट के अराउंड एक्सपेंड करते हैं तो हमने कुछ कॉरोलरी भी डिस्कस की है इससे प्रीवियस लेक्चर में काम बहुत आसान है मुश्किल नहीं है इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या करें कि एक्स को ए कर दें और वाई को बी कर दें अभी तो हम जनरल पॉइंट के एक्स वाई के अराउंड एक्सपेंड कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे एक ये फिक्स कर दें कि एक सी जी इक्व टू ए कोई नंबर है वाई इक्व टू बी कोई नंबर है इसके राउंड एक्सपेंशन कैसे दिखाई देगा हमें ठीक है तो हम इसको क्या कहते हैं कि भाई साहब हम इसको ऐसा कहते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच राइट और वाई प्लस सॉरी बी प्लस के आपका ये जो एक्सपेंसन होगा ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि एफ ओफ ए बी प्लस एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी देखो बहुत छोटा छोटा काम है कुछ भी इसमें बड़ा काम नहीं कर रहे हैं अगर जनरल आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई तो आप फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे और ए बी फिक्स पॉइंट की टर्म्स में लिखना है तो इसी फार्मूले को आप एक्स और वाई की जगह एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी रिप्लेस कर देंगे राइट एफ एक्स एक्स ए बी हालांकि ऊपर एक्स वाई नहीं लिखा हुआ है वो अंडरस्टूड है हिडन है आपने खुद ही समझ लेना है उसको टू एच के एफ़ एक्स वाई ए बी ओके एंड देन प्लस के स्क्वायर एफ वाई वाई राइट ए बी तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है इसके बाद इसी थोड़ा सा आप अगर हमें और चेंज करना हो मैंने के इसको यहाँ पे मेरे को एफ एक्स वाई लिखना है ठीक है और यहाँ पे एच को मेरे एक्स की टर्म्स में और के को मुझे वाई की टर्म्स में लिखना है तो मुझे थोड़ा सा चेंज यहाँ पे कर लेना हो जैसे कि मेरे का मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है हाँ यहाँ पे हालांकि इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई नहीं पूछा गया है तो आप इस फॉर्मूले का भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसी को अगर मुझे थोड़ा सा और चेंज करना हो तो मैं यहाँ पर करूँगा कि मुझे एच को एक्स माइनस ए रखूँगा है ना एक, एक चेंज ये भी कर लूँगा और वाई को मैं रखूँगा यहाँ पर सॉरी के को मैं रखूँगा यहाँ पर वाई माइनस बी तो ऐसा करने से मेरे पास ये चेंज हो जाएगा एफ़ ओफ एक्स वाई राइट और ये आ जाएगा यहाँ पे एफ़ ओफ ए बी में कोई चेंज नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे एक्स y वाई एच ओर के टर्म्स नहीं है यहाँ पे है यहाँ पे एक्स को एक्स एच को एक्स माइनस ए कर लेंगे राइट right? और ये एफ़ एक्स ए बी हो जाएगा और यहाँ पर आपको आप के को वाई माइनस बी कर लेंगे ठीक है एफ़ वाई ए बी हो जाएगा तो ये वाला एक्सटेंशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन इसको आप अच्छे से याद रख लेना और ये हो जाएगा आपके पास x x माइनस ए इस्क्वायर और एफ एक्स एक्स ए बी हो जाएगा यहाँ पर ठीक है एंड देन प्लस टू टाइम्स एच हो जाएगा एक्स माइनस ए वाई के हो जाएगा वाई माइनस बी राइट एफ एक्स वाई और ए बी ओके देन प्लस uh, यहां पे हो जाएगा वाई माइनस बी स्क्वायर एफ वाई वाई ए बी ओके एंड देन प्लस डोट रोट अप टू इंफिनिटी तो फिलहाल हम uh, इस एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे करने वाले हैं कि जो हमें गिवन फंक्शन है हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है गिवन फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स लेट मी चेक इट आउट यस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ओके और वन वन के अराउंड मेरे को एक्सपेंड करना है इसे यानी कि वन कोमा वन के अराउंड एक्सपेंड करना है ए बी की वैल्यू भी दे दी वन कोमा वन इसके अराउंड एक्सपेंड करना है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन निकाल लो एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई वाई ये निकाल लेता हूँ यहाँ पे राइट तो मेरे पास एफ एक्स ही दिया हुआ है नाउ व्हाट अबाउट द चलो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ कि एफ एक्स वाई मुझे दे दिया यहाँ पर ठीक है तो मेरे को यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या दे दिया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स राइट अभी मेरे को निकालना है एफ एक्स एक्स वाई ठीक बारी बारी से मैं यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिखूँ एंडर्स टूडे है ना तो यहाँ पे इसका हो जाएगा वन अपोन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वन अपोन वन प्लस पार्सल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स को तो ये हो जाएगा लेकिन y बाई एक्स का यहाँ पे अलग से भी होगा x के रेस्पेक्ट में क्योंकि y आपका कॉन्स्टेंट टर्म है और वन बाई एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर ठीक है अभी इसको आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे माइनस वाई तो ऊपर आ गया नीचे आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक वन बाई एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ पर भी है इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आप इसको क्या लिखने वाले हैं फाइनली आप इसको लिखने वाले हैं माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो आपके पास आ गया एफ एक्स अब यहाँ पे आपको एफ वाई निकालना पड़े तो सेम डायरेक्शन में आप क्या करने वाले हैं वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन वाई बाई एक्स का आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन बाई एक्स राइट पार्शियल डेरिवेटिव वाई बाई एक्स का क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई वन बाई एक्स आ जाएगा तो यहाँ पे फिर से आप एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर आपने नीचे में एलसीएम लिया ठीक है क्योंकि आप इसको क्या लिखने वाले हैं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ गया और यहाँ पे है ही आपके पास वन बाई एक्स इस वन बाई एक्स इसका पावर कट गया और ये एक्स हमारे पास ऊपर में आ गया यानी कि एक्स इसको ऊपर लिया यहाँ पर एक्स अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटी छोटी सी कैलकुलेस है ना कोई मुश्किल काम इसमें नहीं करने वाले हम तो एफ एक्स कैलकुलेट हो गया एफ वाई कैलकुलेट हो गया अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं एफ एक्स वाई राइट एफ एक्स वाई का मतलब है जो एफ वाई है ना उसी को अगेन पार्सल डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो जब इसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये देखो एक फ्रैक्शन फंक्शन है एक्स के टर्म में नंबरेट एंडिनेटर में राइट तो हमें क्या करना है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले तो हम क्या कर लें यहाँ पे डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लें ठीक है और नमरेटर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हो गया वन देन माइनस नंबरेटर को ऐसे रख लें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हो गया टू एक्स एंड देन डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है आपका उसका स्क्वायर यहाँ पे हमने क्वेश्चन टूल लगा दिया तो ऐसा करने से हमें मिला क्या यहाँ पे वाई स्क्वायर तो मेरा ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वन टाइम है यहाँ पे माइनस का टू एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया आपके पास तो वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ गया आपके पास एक्स वाई अभी आपने एफ एक्स एक्स भी निकालना है इसकी भी जरूरत रहेगी आपको एफ एक्स एक्स मतलब है कि एफ एक्स का अगेन डेरीवेटिव तो एफ एक्स आपके पास था माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इसको आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है ठीक है तो जाहिर सी बात है आपका ये रहेगा यहाँ पे नीचे में है ये आपका जो है तो माइनस वाई तो कांस्टेंट ट्रीट होना है ठीक है और यहाँ पे क्योंकि आप क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक सेकंड इसको आप ये करने वाले हैं पार्शियली डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल एक्स और एफ right? okay? एक्स राइट एफ एक्स ओके यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स आपके पास क्या है माइनस वाई अपॉन माइनस वाई इन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन ये है आपके पास ठीक है तो इसको आप क्या करेंगे ऐसा करके माइनस वाई तो आपके पास कांस्टेंट है इसका हो जाएगा आपके पास माइनस वन और माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस टू और इसका अलग से करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा टू एक्स तो कहने का मतलब यह है ये आगे, आगे, आगे आपके पास माइनस माइनस प्लस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना इसी तरह आपने एक्स वाई निकाली अगर एफ वाई वाई की बात करें तो एफ वाई वाई भी कैलकुलेट कर लें आप साथ में ये जो आपके पास एफ वाई था यानी कि पार्शल डेरीवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ एफ वाई एफ वाई हमारे पास क्या है है ना एफ वाई हमारे पास है ये इस काम बहुत किया है पिछली वीडियोस में तो आप लोग वीडियोस को प्रॉपर देखिए आपको ये सब पार्शियल डेरिवेटिव करना आ जाएगा ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की ही तरह होता है बस इसमें थोड़ी थोड़ी से बदलाव होते है हैं कहीं पर कि आप जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं अदर वेरिएबल को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ठीक है अब y के रेस्पेक्ट में करना है भैया यानी कि हमें पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे माइनस एक्स और इसका आ जाएगा टू वाई वाई के रिस्पेक्ट में एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिल्कुल ऊपर वाला सेम काम हमने किया है क्योंकि इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस वन लिख सकते हैं माइनस वन को आपने यहाँ पे उतार लिया ठीक है एक्स को आपने पार्सल कॉन्स्टेंट uh, करा और इसकी पावर फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस वन वो माइनस टू हो जाएगी जो कि नीचे आके प्लस टू होगी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर का अगेन एन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू वाई हो गया तो कहने का मतलब है यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो गया माइनस टू तो एक्स वाई एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ओके तो ये आपके पास एफ वाई वाई कैलकुलेट हो गया हम इससे आगे नहीं जाएंगे इतना ही रखते हैं ठीक है अभी हमें क्या रखना है कि इसकी वैल्यूज़ निकालनी है ना एफ एक्स एक्स एट द पॉइंट एफ एक्स एक्स राइट एट द पॉइंट वन वन यानी कि एफ वन वन पे वैल्यू वे क्या हो जाएगी सी बात है एफ वन वन का मतलब हो गया यहाँ पे हमारे पास टेन इनवर्स वन बाई वन ठीक है जो कि हो जाएगा टेन इनवर्स वन जो कि हो जाएगा पाई बाई फोर ठीक तो आप वन वन की वैल्यू आ गई अब आप बात करते हैं यहाँ पे साथ में ये वैल्यूज आपने एक अलग से टेबल बना के भी कर सकते हैं आप इनको एफ़ एक्स क्या आ गया यहाँ पे आपके पास क्योंकि तो एफ़ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है राइट एफ एक्स वन वन क्या आ गया हमारे पास वन वन यानी कि एक्स की वैल्यू भी वन और वाई की वैल्यू भी वन तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू राइट और ये आपके पास एफ़ वाई है तो एफ़ वाई वन वन की वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू भी होगी वन बाई टू राइट और यहाँ पे ये है आपके पास क्या इसको एक बार देख लें आपके पास ही क्या एफ़ एक्स वाई एफ़ एक्स वाई की वैल्यू जैसी बात है एक्स को जब वन रखेंगे वाई को वन रखेंगे तो इसका नंबरेटर जीरो हो जा रहा है तो ये जीरो हो जाएगा है ना इसी तरीके से आपके पास ये जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी भाई ये वैल्यू आपके पास होगी एफ एक्स एक्स के एफ एक्स एक्स हमारे पास क्या हो गया कि एक्स और वाई को आप जब वन वन रख रहे हैं यहाँ पर एफ़ एक्स एक्स आपको देगा क्या टू इंटू वन इंटू वन अपन यानी कि टू बाई टू स्क्वायर यानी कि फोर क्योंकि वन वन आएगा यहाँ पे वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर ये आपको दे देगा वन बाई टू ओके इसी तरीके से आपके पास ये क्या है एफ वाई वाई इट्स शुड बी एफ वाई वाई यस एफ वाई वाई आपको क्या देने वाला है एफ वाई वाई आपको देने वाला है एट द पॉइंट वन कोमा वन माइनस टू तो ऊपर रहेगा और फोर नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू अभी गाइस आपने करना क्या है टेलर सीरीज एक्सपेंशन से इसमें इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके इसमें रख देना ठीक है क्योंकि आपको क्या चाहिए आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन चाहिए ओके अराउंड द पॉइंट वन वन तो यहाँ पे आपके पास आएगा एफ वन वन एंड देन प्लस एच की जगह आप एक्स माइनस वन रखने वाले हैं ठीक है एक्स माइनस वन एफ एक्स वन वन और वाई माइनस वन ठीक है एफ वाई वन वन एंड एफ वाई वन वन एंड देन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स एच एक्स एक्स माइनस वन स्क्वायर एफ एक्स एक्स वन वन एंड देन प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस वन बहुत ही आसान है कंप्यूट करना बट अपने स्टेट ऑफ माइंड अपने स्टेबल रखना होता है जैसे ही आप अनस्टेबल हुए ऐसे गलती करना शुरू कर देंगे ठीक है वाई माइनस वन स्क्वायर एफ वाई वाई एट द पॉइंट वन वन ओके एंड देन प्लस टू 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 एंड वी हैव ऑल दीज वैल्यूज ओके सो एफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू एफ़ वन वन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो आती है हमारे पास पाई बाई फोर है ना ये सब वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल चुके हैं ठीक एफ़ वन वन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं ये हमारे पास है पाई बाई फोर ठीक और एफ़ एक्स वन वन माइनस वन बाई टू एफ़ वाई वन 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 बाई टू ठीक है तो यहाँ पर इन सब वैल्यूज़ को कम्प्यूट कर दो बस सिंपली आपने एक्स माइनस वन एफ़ एक्स वन वन की वैल्यू आपके पास कितनी वन बाई टू और y माइनस वन एफ़ वाई वन वन की वैल्यू थी माइनस वन बाई टू राइट एंड देन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स माइनस वन स्क्वायर एफ एक्स वन वन की वैल्यू एक बार ये और देख लो कि क्या क्या आई थी आपके पास एफ़ एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू आई थी आपने प्लस रख के लिखा है वहाँ पे, चलो इसको चेंज कर लेंगे एफ एक्स वाई ज़ीरो था एक्स एक्स वन बाई टू था ठीक है वाई वाई माइनस वन बाई टू था ठीक तो आपके पास ये वैल्यू माइनस में थी पहले तो इसको चेंज कर लो ये प्लस में है और एफ़ एक्स एक्स हमारे पास था कितना वन बाई टू था ना मैं फोर भूल गया फिर से देख लेते हैं एफ़ एक्स एक्स हमारे पास एफ़ एक्स वाई तो ज़ीरो था एक्स एक्स था वन बाई टू एक्स वाई वाई था माइनस वन बाई टू तो एफ़ एक्स एक्स है हमारे पास क्या वन बाई टू और यहाँ पर प्लस अभी इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं ये हमारे पास टू हो गया टू एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन एफ़ एक्स वाई मेरे पास आया कितना ये आ गया था ज़ीरो ठीक है और प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर एफ़ वाई वाई मेरे पास आया माइनस का वन बाई टू एंड प्लस डॉट डॉट डोट डॉट ये एक्सपेंशन हमें करना था इसको सिंप्लीफाई कर लें आपका रिक्वायर्ड आंसर ही मिल जाता है ठीक है यही काम हमें करना होता है इसमें देखो ये पाई बाई फोर ठीक और यहाँ पे ये आ जाता है माइनस का एक्स बाई टू और प्लस का वाई बाई टू तो अगर मैं यहाँ पे वन बाई टू कॉमन ले लेता हूँ तो एक तरीके से मेरे को वाई माइनस एक्स मिल जाता है यहाँ पे क्योंकि वन बाई तो टू कॉमन लिया वाई माइनस का एक्स लेकिन यहाँ पे आपका प्लस का वन बाई टू है और यहाँ पे माइनस का वन बाई टू है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसी तरीके से वन बाई टू फैक्ट्री को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ वन बाई टू फैक्टोरियल को मैं वन बाई टू लिख सकता हूँ ये अंदर से वन बाई टू कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई फोर राइट और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा uh, x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड देन प्लस टू टाइम x माइनस वन वाई माइनस वन और ये वाला जो माइनस है ना यहाँ पे लिख दें y माइनस वन का होल स्क्वायर तो गाइज ये आपके पास एक्सपेंशन हो गया है ना इससे ज़्यादा आप इसको वो मत करिए एक्सप्लें मत करिए ये आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो गया देखो ये छोटे छोटे से काम करने होते हैं अराउंड द पॉइंट वन कोमा वन है ना कोई बड़ा काम हमने इसमें नहीं किया हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने आना चाहिए तो हम अपना काम बहुत स्मूथली कर सकते हैं ठीक है ओके गाइस अभी हम एक क्वेश्चन और डील करने वाले हैं इसके ऊपर वही पैरल सा क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है एक्सपेंड करना है एक्स स्क्वायर वाई सोल्यूसन एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई माइनस टू को एक्सपेंड करना है इन इन द पावर ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई प्लस टू यानी कि एक तरीके से पॉइंट आपको हाँ दे दिया कि वन और माइनस टू के नाइबरहुड में एक्सपेंड करना है यूजिंग द टेलर सीरीज एक्सपेंसन बहुत आसान काम है कुछ ही मुश्किल नहीं है सेम फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं ठीक है और एक चीज़ यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले हम गिवन वो लिख लेते हैं अपने पास यहाँ पे ये भी नहीं दिया कि कहाँ तक आपको एक्सपेंड करना है कितनी पावर्स तक ये भी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं हम अपने आ, बेसिक माइंड से यहाँ पर काम करेंगे बिल्कुल बेसिक अच्छा बिल्कुल भी आपने हाइपर नहीं होना है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लाना है माइंड के ऊपर तो एफ एक्स वाई आपके पास ही हो गया तो पार्सल डेरिवेटिव करिए एफ का विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आपके पास होगा यहाँ पर टू एक्स right? वाई राइट टू एक्स वाई होगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव इसका जीरो हो जाएगा इसका जीरो हो जाएगा ठीक है अब आप करिए क्या एफ एक्स एक्स भी साथ में निकाल लीजिए यहाँ पे आगे टू वाई राइट चलिए एफ वाई निकाल लो एफ वाई अब एफ वाई के लिए अब चलेगी यहां पे हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एन प्लस थ्री ठीक है और एफ वाई वाई क्या हो गया आपके पास एफ वाई वाई आपके पास हो गया क्या ये हो गया जीरो क्योंकि तो वाई के रिस्पेक्ट में इसको फिर से करेंगे ये जीरो हो जाएगा अभी आपने क्या करना है एफ़ एक्स वाई है ना यानी कि एफ एक्स वाई का मतलब जो एफ वाई में था ना उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये भी आ गया आपके पास ज़ीरो है ना अब इसके बाद आपने क्या करना है एफ एक्स एक्स कैलकुलेट हो गया वाई वाई हो गया एक्स वाई हो गया इससे है देखो अगर आप यहाँ पे x x y यानी कि जो x y था है ना उसको फिर से करेंगे अगर ट्रिपल के लिए जा रहे हैं तो ये ज़ीरो था तो ये ज़ीरो हो गया ठीक है और यहाँ पे अगर आप f ट्रिपल x की बात करें x x x तो भाई साहब जो f डबल x था है ना वो भी वो ज़ीरो हो रखा है तो ट्रिपल भी ज़ीरो हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे अगर आप बात करें एफ एक्स वाई वाई की ठीक है तो एफ वाई वाई एक्स आपका ये भी ज़ीरो हो जा रहा है ठीक तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बची है हम यहाँ पे चले थे और अब ट्रिपल एफ ट्रिपल वाई भी हमारा ज़ीरो हो जा रहा है है ना एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ क्या हम इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर एक छोटी सी गलती तो हम कर पाए है ना इसको हम करेक्ट कर लेते हैं ये एफ एक्स एक्स वाई जो होगा हमारे पास टू होगा क्योंकि ये जो एफ 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 ओफ एक्स एक्स है इसका हम करेंगे ठीक है एफ 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 ओफ एक्स एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो वो आपको टू दे देगा बाकी सब ठीक है आपके पास राइट और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पे आप इनकी वो भी निकाल लें मतलब कि आपने निकालना है एफ़ वन माइनस टू पर क्योंकि वन माइनस टू के अराउंड एक्सपेंड करना है तो ये आपके आ जाएगा टू माइनस वन एंड y की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू तो ये आ गया माइनस फोर राइट इसी तरीके से आपने एफ एक्स वन माइनस टू कैलकुलेट करना है तो y की जगह रख दीजिए यहाँ पे माइनस फोर आ गया ठीक है यहाँ पे आपने एफ़ वाई और वन माइनस टू कैलकुलेट करना है तो 1 आ 1, ये आ जाएगा वन का स्क्वायर आ गया आपके पास वन और प्लस थ्री ये भी फोर आ गया ठीक है और ये सब आपके पास होगी ज़ीरो मतलब एफ़ वाई वाई क्योंकि इसमें एक्स वाई की टर्म से ही नहीं ये भी ज़ीरो और एफ़ एक्स वाई आपके पास एट द पॉइंट वन माइनस टू ये भी ज़ीरो ओके और आपके पास हो जाएगा एफ़ एक्स एक्स वाई एट द पॉइंट वन माइनस टू ये हमारे पास आ जाएगा टू इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई सो ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी एट दिस पॉइंट ज़ीरो अभी आपने बस करना क्या है अपना फॉर्मूला लिखना है ठीक है टेलर्स वाला उठा के इसमें ये वैल्यूज कंप्यूट करनी कर देनी है और आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके पास होगा तो हमारे पास हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स माइनस वन और वाई प्लस टू की टर्म्स में लिखना है ठीक है तो हम क्या करते हैं मेरे पास जो टेलर्स एक्सपेंशन है एफ एक्स वाई प्लस टू एफ वन एंड माइनस टू क्योंकि ए बी टर्म्स में लिख रहा हूँ और एक्स माइनस वन एफ एक्स वन माइनस टू एंड देन प्लस वाई प्लस टू वाई प्लस टू एफ वाई वन माइनस टू ये सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास है ना और वन बाई टू फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वन स्क्वायर और एफ एक्स एक्स वन माइनस टू एंड देन प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस वन और के की जगह मैं रखूंगा वाई प्लस टू एफ एक्स वाई वन माइनस टू ओके एंड देन प्लस वाई की वाई की जगह हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पे uh, के की जगह हम रखने वाले हैं यहाँ पे कि वाई प्लस टू का स्क्वायर सिंपल फॉर्मूला कंपटीशन है आपके पास है ना जो फॉर्मूला हम कंप्यूट करते हैं पिछली वीडियोस में आप प्रॉपर देखिए इससे पहले क्वेश्चंस में भी हमने फार्मूला लिखा हुआ है वहाँ पे वहाँ से आप फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं तो इसी तरीके से इसको थर्ड में आप जाएंगे प्लस वन बाई थ्री अगर आपका मन है लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में हैं तो लिख लें भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे एक्स माइनस वन की पावर थ्री से स्टार्ट होगा और एफ एक ट्रिपल एक्स होगा राइट एट द पॉइंट वन माइनस टू इसी तरीके से आप थ्री एक्स माइनस वन स्क्वायर और y प्लस टू ठीक है और ये होगा आपके पास f डबल एक्स वाई ठीक है एट द पॉइंट किस पे वन और माइनस टू पे आप चाहो तो इसको अभी और भी लिख सकते हैं यानी कि थ्री एक्स माइनस वन वाई प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा इस बार यहाँ पे और एफ़ एक्स वाई वाई हो जाएगा है ना वन माइनस टू और यहाँ पे आप कर सकते हैं वाई प्लस टू की पावर थ्री और f ट्रिपल वाई एट द पॉइंट वन माइनस टू इससे आधे तो हमारी कैपेसिटी भी नहीं होती हम जा सकते हैं लेकिन इससे आधे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं ये सारी वैल्यूज मेरे पास हैं एफ वन माइनस एफ वन माइनस टू का वैल्यू मेरे पास कितना है एफ़ वन माइनस टू का वैल्यू माइनस फोर ठीक है तो यहाँ पे आप माइनस फोर कर दें और प्लस एक्स माइनस वन एफ़ एक्स वन एफ़ एक्स वन माइनस टू का वैल्यू कितना है मेरे पास एफ़ एक्स वन माइनस टू का वैल्यू है माइनस फोर ठीक है तो यहाँ पे हम माइनस फोर कंप्यूट कर देंगे ठीक एंड देन प्लस वाई प्लस टू है ना और एफ़ वाई ये कितना वैल्यू मेरे पास एफ़ वाई वन माइनस टू तो एफ़ वाई वन माइनस टू का वैल्यू मेरे पास फोर है यहाँ पर यहाँ पर हम फोर कम्प्यूट कर देते हैं एंड देन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल और एक्स माइनस वन स्क्वायर एफ़ एक्स एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास एफ एक्स एक्स का वैल्यू मेरे पास है क्या एफ एक्स एक्स मेरे पास होगा भाई साहब लेट मी चेक इट आउट ये जो वैल्यू है आपके पास अच्छा जी ठीक है एक्स वाई का वैल्यू देखो ये जो था ना वैल्यू एफ एक्स का था यहाँ पे हमने गलत कंपटीशन कर दिया एफ एक्स वाई आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एट द पॉइंट वन टू वन माइनस टू ठीक है यहाँ से आप इसको कंप्यूट करेंगे वन माइनस टू तो ये हो जाएगा आपके पास वन का माइनस वो सॉरी वन का स्क्वायर वन हो जाएगा वाई की वैल्यू माइनस टू एंड प्लस थ्री वाई माइनस टू तो इस तरीके से माइनस टू और वाई की जगह आप क्या रखने वाले हैं वाई की जगह रखने वाले हैं माइनस का टू तो माइनस टू ये हो जाएगा आपके पास माइनस का सिक्स तो माइनस के टू तो एक तरीके से माइनस का टेन ही आ गया आपके पास ही है ना वन का स्क्वायर वन वाई माइनस टू तो ये माइनस आ गया और ये माइनस का सिक्स आ गया और माइनस का टू तो माइनस का टेन आ गया आपके पास ही वाला टर्म्स है ना ये टर्म आपके पास माइनस का टेन आ जाएगा इसी तरीके से आपके पास एफ़ एक्स क्या चलाया था वो आया था माइनस का फोर और एफ एक्स माइनस का फोर चलाया आपके पास एफ एक्स सिक्स ये है एफ एक्स आपके पास माइनस का फोर आया और एफ वाई प्लस का फोर आप इसको एफ एक्स आपने लिखा माइनस का फोर एफ वाई आपने लिखा प्लस का फोर और एफ़ एक्स एक्स आपके आया पास माइनस का फोर और एफ़ एक्स वाई एफ एक्स वाई आपके पास यहाँ पे जीरो है वाई वाई बी जीरो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं यहीं पे आपने रुक जाना है ठीक है क्योंकि आपके पास क्या है भाई साहब एफ एक्स एक्स तो है एफ एक्स वाई वाई बी और एक्स वाई बी ये होगी जीरो ठीक इसमें एक टर्म आपको और मिलेगी बाकी सारी जीरो ये वाली टर्म और कंप्यूट कर लें आप बस एफ एक्स एक्स वाई तो ये आ जाएगी आपके पास थर्ड ऑर्डर पार्सल डिफ्रेंशिएशन में तो वन बाई थ्री फैक्टोरियल और ये टर्म कौन सी है आपके पास एक्स एक्स वाई का मतलब है कि एक्स माइनस वन थ्री टाइम्स एक्स माइनस वन स्क्वायर और वाई प्लस टू और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ़ एक्स एक्स वाई एफ़ एक्स एक्स वाई था ना क्या था भाई हाँ एफ एक्स एक्स वाई क्योंकि एक्स एक्स वाई तो एक्स माइनस वन स्क्वायर वाई प्लस टू वाई प्लस टू और ये हो गया टू बस दैट दैट्स इट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इससे आगे हम जा भी नहीं सकते सारे एक्सपेंशन ज़ीरो होने वाले सारे पार्सल डेरीवेटिव हाइयर पार्सल डेरीवेटिव जीरो होने वाले हैं है ना तो इससे आगे जाने से कोई फ़ायदा है भी नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का फोर एक्स और प्लस का फोर ठीक है माइनस के फोर के अंदर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ भी आप प्लस के फोर के अंदर मल्टीप्लाई कर दें फोर वाई हो जाएगा और प्लस का एट हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से आप इसको सिम्प्लीफाई कर लें यहाँ पे आपको मिल जाएगा x माइनस वन और ये माइनस बाहर आ जाएगा है ना और t हो जाएगा टू टाइम्स क्योंकि इससे ये टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे वन बाई थ्री ये सिक्स हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स ये थ्री फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भी सिक्स हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर एंड वाई प्लस टू तो, ओके तो फिर से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे चलो फोर वाई को पहले लिख लें क्योंकि वो प्लस में है पॉजिटिव चीज़ पहले लिखना चाहिए और फोर एक्स आपका प्लस में है माइनस में इसको बाद में लिख लें टेन टेन माइनस टेन प्लस फोर ये आपके पास हो गया माइनस का सिक्स और प्लस का एट हमारे पास यहाँ भी है तो प्लस का एट प्लस के फोर ही प्लस के ट्वेल्व हो गए तो यहाँ पे प्लस का टू बचा प्लस का टू बचा ठीक है ये सारी टर्म्स हमारे पास एडजस्ट हो गई हम यहाँ पे माइनस का टू एक्स माइनस वन इनको हम खोलेंगे नहीं है ना इट इट विल टेक टाइम्स तो हम एक्स प्लस वन और एक्स बल्कि ये आपके पास जो आने चाहिए ना एक्स प्लस वन नहीं एक्स माइनस वन आने चाहिए एक्स माइनस वन की टर्म्स में है ना ये एक्स माइनस वन स्क्वायर और वाई प्लस टू इतना ही आप आंसर कर दें वो ही सफिशियंट हो जाता है है ना इसी के टर्म्स में उसने आंसर पूछा है हैंड्स द आंसर इज ओपटेंट सो गाइज आई होप यू गाइज एंजॉय दिस सेसन थोड़ा सा ये आ, इसमें काम ज़्यादा करना होता है लेकिन बहुत मज़ेदार है और कॉन्सेप्चुअल है सो बी कनेक्टेड बी इन टच और आप वीडियोज़ देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी देते रहिए जो भी आपको मटेरियल रिक्वायर्ड हो जिस तरह की भी आपको जरूरत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे देन आई विल ट्राई टू प्रिपेयर ऑल दिस मटेरियल फॉर यू थैंक यू वेरी मच इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद आवसम कंटेंट्स मैगजिम एंड मिनिमा वी आर गोइंग टू डील विद मैगजिम एंड मिनिमा फॉर द मल्टी फंक्शन